बहुत बढ़िया क्या हुआ है, ऐसे मौसम में बहुत डर लगता है घूमने का। Hey guys, welcome back to my new blog और किटी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज फिर से मैं भी पार्क आ गई हूँ, बट आज कोई नहीं है भी पार्क में, ओनली मैं हूँ। मतलब सारा भी पार्क शांत है और सिर्फ मैं हूँ, इसलिए तो अच्छा लग रहा है। तो आप लोग को थोड़ा सा मैं पीछे घुमा के दिखा देती हूँ। देखिए पीछे भी कोई नहीं है, सारा अपना है। और इधर भी कोई नहीं है, कोई मतलब कोई नहीं है। और इधर है लोग, कुछ लोग आ रही हैं, महिलाएं जो आ रही हैं। तो अभी तो इधर सुकून है, इधर एकदम बिंदास बोलो कुछ भी नहीं। तो अभी यहाँ से मुझे नौकाबिहार जाना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वहाँ पे ब्लॉगर और प्रैंक स्टार लोग आकर के वीडियो शूट करते हैं। तो अभी यहाँ से मैं जाऊँगी वहाँ पे। और आज तो मेरी बहन भी लोग साथ में नहीं है, क्योंकि सारे मतलब नहीं आ रही थी। लोग कह रही कि नहीं तुम अकेले जाओ वीडियो शूट करो। अरे यार बहुत लोग हैं पार्क में, हमको लग रहा था सही में खाली है, लेकिन खाली नहीं है। कभी पार्क खाली हो सकता है, नेवर। तो गाइज आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, कुछ मस्ती होगा और मिलते हैं आगे, जो होगा देखा जाएगा। ओके बाय बाय। नहीं बाय नहीं यार, आगे। सो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं सिंगल आई हूँ मैं। हे भगवान, काश मेरी बहन लोग रहती तो अच्छा लगता। तो देखिए आप लोग, दूर दूर तो कोई चिड़िया भी नहीं है यार। सही बात है, अब मैं सिंगल होने का दर्द समझ सकती हूँ कि सिंगल वाले लोग कितना दुख फील करते होंगे। सही बात है, कम एक पार्क में अकेले आओ तो इतना बेकार फील होता है। सोचो लाइफ ही सिंगल हो तो क्या होगी यार। इधर भी नहीं कोई है, इधर भी। सो तब चल रहे हैं तब नौकाबिहार। वहाँ तो लोगों की भीड़ जमी रहती है, तो यहाँ पे शांति है। लेकिन यहाँ पे आकर के स्टूडेंट पढ़ाई भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई क्या यार, पढ़ाई नहीं हो पाएगा पार्क में, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और मॉर्निंग वॉक के लिए सही है, और शाम को आप आकर के यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, प्रैंक शूट कर सकते हैं। वैसे गोरखपुर के लिए भी पार्क हुआ पर अच्छा जगह है। और हमारे यहाँ गोरखपुर में बहुत सारे ऐसे पार्क हैं जो अभी विलुप्त हैं, तो मैं कोशिश करूँगी उन सभी पार्क को दिखाने के लिए आप लोगों को। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके जाइए मेरे चैनल को। सो गाइस मिलते हैं आगे। बहुत बढ़िया क्या हुआ है, ऐसे मौसम में बहुत डर लगता है घूमने का, मन नहीं करता। सो फ्रेंड आप लोग मौसम देख सकते हैं यहाँ का कितना सुहावना हुआ है नौकाबिहार का मौसम। मेरे कैमरे पे भी पानी पड़ गया। और यहाँ है धीरज भैया, आए हैं तो यहाँ नहीं जा रहा है। तो देखिए आप लोग कितना अच्छा मौसम है नौकाबिहार का। कैमरे पे पानी पड़ रहा है मेरे। सो आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। देख सकते हैं मैं आई हूँ नौकाबिहार, और बारिश हो रही है। यहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ ब्लू ब्लू लाइट के पास बैठे हैं। पीछे का लोकेशन इतना अच्छा आ रहा है। और यहाँ पे सिर्फ मैं नहीं हूँ, यहाँ पे ये है, वो है, और वॉचमैन अंकल है। और यहाँ पे हम लोग बैठ करके मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। तो हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, आज का मौसम बहुत प्यारा हुआ है। और फिर जो भी एक्टिविटी होती है तो हम लोग दिखाएंगे ब्लॉग में, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। Flashback.
few moments later. So यहाँ पे हमको देख रहे हैं चार लोग, इनसे पूछते हैं इन लोगों कैसे आप लोग. हेलो, आप लोग बताइए आप लोग को यहाँ बैठ के कैसा लग रहा है? अच्छा मौसम है, बहुत ही मजा आ गया. आप लोग का घर द्वार नहीं है क्या बैठने के लिए? द्वार है लेकिन द्वार नहीं. तो ये यही द्वार बना लिए हैं अंकल जी, मार के भगा देंगे आप लोगों को. तो सही बात है, घर का घर घर से अच्छा यही आके बैठ के चार घंटा बिता लो. 2000 years later. सो फ्रेंड, बारिश थम चुकी है और हम लोग सोच रहे हैं घर जाने के लिए, क्योंकि आज वीडियो शूट हो नहीं पाया. तो अभी मेरा चेहरा एकदम बेकार आ रहा होगा, लेकिन मैनेज कर लीजिए आप लोग. तो हम लोग सब लोग जा रहे हैं, हम लोग का पैकअप हो गया, हम लोग जा रहे हैं घर. गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इनके वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बेस्ट पार्ट कौन सा लगा कमेंट कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इनके चैनल को, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाती है. थैंक यू. ओके गाइस, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए. बाय बाय. बिजली तड़क रही, गिर जाएगी मेरे ऊपर. बाय.